हाय फ्रेंड, ये सैमसंग का एसी है। इसमें नो कूलिंग का प्रॉब्लम है। हम लोग आए अभी, चार्जिंग लाइट लगा इसमें, तो इसका 120 प्रेशर दिखा रहा है। अभी हम इसको ऑन करके देखेंगे कि इसका गैस की तरह दिख बताता है बैक प्रेशर। तो अभी हमने एसी चालू किया है, देख सकते हैं 832 गैस है इसका, सैमसंग का एसी। अभी आउटडोर ऑन नहीं हुआ है, इंडोर ऑन करने के बाद आउटडोर 3 मिनट बाद चालू होते हैं। तो देखते कितने पे जाके ये रुकता है बैक प्रेशर, क्या है कि कभी गैस नहीं रहता है फिर भी इसका स्टैंडिंग प्रेशर दिखाता है। तो कभी भी आप स्टैंडिंग प्रेशर देख के ये ना कहे कि इसमें गैस ओके है करके, एक बार बैक प्रेशर जरूर देखें। देख सकते हैं आउटडोर चालू हो गए, नीचे की तरफ जा रहा है प्रेशर। फिफ्टी पे आके रुक गया है। गैस लीकेज है, इसमें गैस है नहीं। हम इसका गैस पूरी तरह से निकालेंगे, उसके बाद इसमें नाइट्रोजन डाल के लीकेज चेक करेंगे। देख सकते हैं फ्रेंड, हमने आउटडोर खोल दिया है, लीकेज चेक कर रहा है। लीकेज आउटडोर में दिखा नहीं, इसलिए अब हम इंडोर में जा रहे हैं लीकेज चेक करने। अब इंडोर को खोलेंगे हम, देख सकते एसी को लेके अभी 1 साल हुआ है, लीकेज हो गया। अभी हम लोग चेक कर रहे हैं कहाँ पे मिलता है इसका लीकेज, फिर इसको हम लोग लीकेज को फाइंड करेंगे। जब नाला है ना, नाले को जैसे प्रॉब्लम देता है, उसका जो केमिकल का उसकी वजह से जंग खा के सड़ जाता है, निकल जाता है। बड़ा स्टूल है क्या? तो पूरा निकल सकते हैं नीचे ना इसको, तो मशीन निकाल सकते हैं, लेकिन तो पहले मिल जाए।
देख सकते हैं फ्रेंड लीकेज फाइंड हो गया। अब हम लोग अभी हम गैस चार्ज करने जा रहे हैं। ये गैस खोल के रखा है कि गैस जा रहा है। कॉइल में लीकेज था तो उसको हम लोग ब्रिजिंग कर दिए। यू बेंड पे था इसकी वजह से वो ब्रिजिंग हो गया, बीच में रहता तो नहीं हो पाता। तो अभी फाइंड हो गया लेके अब गैस चार्ज कर रहे हैं। इसका प्रेशर हम 130 रखेंगे, 130 832 गैस है। अभी स्लो स्लो प्रेशर गैस डालें तो स्लो स्लो प्रेशर बढ़ेगा इसका। 832 का गैस चार्जिंग करते वक्त कभी भी स्लो स्लो गैस डालना चाहिए। ये क्या इसका प्रेशर ज़्यादा रहता है, फटाक से गैस खींच लेता है, इसीलिए स्लो स्लो गैस चार्जिंग करना चाहिए इसका। इसका बैक प्रेशर हम 130 रखेंगे, 130। देख सकते हैं फ्रेंड 130 हो गया बैक प्रेशर, 832 का प्रेशर 130 ही रहता है तो हमने 130 डाल दिया है। फ्रेंड अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें।